अमृतसर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पाक की नापाक कोशिश नाकाम रही। अमृतसर में पाक से आया एक ड्रोन बरामद किया गया है और बीएसएफ और पुलिस ने बरामद किया ड्रोन। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अमृतसर से, जहां पर बीएसएफ और पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पाक की नापाक कोशिश नाकाम रही, बीएसएफ और पुलिस ने बरामद किया ड्रोन। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, बीएसएफ और पुलिस ने ये ड्रोन बरामद किया है। पाक की नापाक कोशिश नाकाम रही, एक बार फिर से लगातार पाक की तरफ से इस तरह की नाकाम कोशिश की जाती है, लेकिन बीएसएफ और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से हमेशा पाक की ये कोशिश नाकाम रहती है। अमृतसर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर अमृतसर में पाक से आया ड्रोन, जिसे पुलिस प्रशासन बीएसएफ के जवानों की तरफ से बरामद किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी आप तक दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं अमृतसर से ये तस्वीरें और ये बड़ी जानकारी आप तक, जहां पर अमृतसर में ये बीएसएफ और पुलिस ने ड्रोन बरामद किया है। पाक की नापाक कोशिश एक बार फिर से नाकाम रही है, अमृतसर में पाक से आया ड्रोन बरामद किया गया है। पाक से ये ड्रोन आया था, जिसे बीएसएफ और पुलिस ने बरामद किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ईशा, एक बार फिर से बीएसएफ के जवान और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, इन्होंने पाक की जो नापाक कोशिश रही है उसे नाकाम की है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन और अवैध हथियार और ड्रग्स की तस्करी सीमा पार से लगातार की जा रही है। बीते कल की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा हीरोइन की बरामदगी पंजाब में हुई है, 70 किलो हीरोइन पकड़ी गई है। तो वहीं आज जिस तरीके से बीएसएफ की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उसके मुताबिक बीते कल रात करीब 10 बजे की घटना है, जब बीएसएफ और पंजाब पुलिस की तरफ से संयुक्त अभियान चलाया जा रहा था, तो उस दौरान उन्हें एक गुप्त सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर अमृतसर से सटे एक रतनपुर से जो गांव है, जो सीमा भारत पाकिस्तान सीमा के साथ सटा हुआ है, वहां पर जो सूचना मिली उस दौरान उन्हें एक खेत में एक बैटरी और साथ में एक ड्रोन की बरामदगी हुई है। जो ड्रोन है वो पाकिस्तान की तरफ से जब बीएसएफ के जवान गश्त कर रहे थे तो उन्हें आवाज सुनाई दी थी, उसके बाद उनकी तरफ से तुरंत फायरिंग की गई और उसका जवाब वहां पर दिया गया। और जब सर्च अभियान चलाया गया तो एक ड्रोन बरामद हुआ है और वो ड्रोन पाकिस्तानी बताया जा रहा है। और फिलहाल अभी ये जानकारी बीएसएफ ने साझा नहीं की है कि ड्रोन मात्र खाली पकड़ा गया है या उसमें किसी चीज अवैध हथियार या ड्रग्स की सामग्री भी पकड़ी गई है। अभी फिलहाल ये जानकारी दी गई है कि बीते रात 10 बजे की ये घटना है और पाकिस्तानी ये ड्रोन है जो सीमा पार से घुसपैठ करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा था, लेकिन बीएसएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान के चलते ये जो नापाक कोशिश है उसे एक बार फिर से नाकाम कर दिया। इसे अगर देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है, इससे पहले मतलब महीने में 3 से 4 ऐसी घटनाएं सामने आती है जब पाक की तरफ से इस तरह की नापाक जो कोशिश है वो की जाती है। हालांकि हमारे बीएसएफ के जवान के मुस्तैदी की वजह से, पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से इस तरह की जो कोशिशें हैं उसे नाकाम की जाती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब के कई ऐसे जिले हैं, चाहे आप अमृतसर की बात करें, फिरोजपुर, फाजिलका, तरन तारण, गुरदासपुर, ये तमाम जिले पाकिस्तान के साथ सटे हुए हैं। बीते कल की घटना की अगर बात करें फाजिलका फिरोजपुर में जिस तरीके से पुलिस को एक बड़ी खेप बरामद हुई है, 70 किलो हीरोइन बरामद हुई है, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा बताई जा रही है और करोड़ों रुपए इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, क्योंकि इन हीरोइन ड्रोन के जरिए अवैध हथियारों की तस्करी की जाती है, साथ ही साथ ड्रग्स की भी तस्करी की जाती है। उससे जो पैसा मिलता है उससे आतंकी संगठन हथियार खरीदते हैं या आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से 50 किलोमीटर का दायरा पंजाब बीएसएफ के पास है और इसके अलावा संयुक्त अभियान पंजाब पुलिस और बीएसएफ का चलता है, गश्त लगातार की जाती है और ये भी पंजाब पुलिस की तरफ से अभियान चलाया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो पंजाब का है, जिनके खेत सीमा के साथ सटे हुए हैं, उन्हें ड्रोन के बारे में पता चलता है या अवैध हथियार, लगातार आतंकी संगठन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की हरकतें जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। हालांकि पुलिस प्रशासन और बीएसएफ के जवान की मुस्तैदी की वजह से इस तरह की जो भी हरकतें पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है उसे नाकाम करने की कोशिश की जाती है और नाकाम की भी जाती है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।